सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीयूष क्रिएशंस। और फाइनली आप लोग इस वीडियो का बहुत वेट कर रहे थे, बहुत कमेंट्स आ रहे थे, बहुत मैसेजेस आ रहे थे, बहुत बार आप लोगों ने, मैं लाइव आया हूँ तब आप लोगों ने इतने बार सारे कमेंट्स किए, तो वेट इज़ ओवर, वीडियो आ चुकी है। तो पहले आप इंट्रो वीडियो इन्जॉय करो और प्लीज़ बताना कि वो इंट्रो वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने वो 15-20 मिनट में बनाई है, 15-20 मिनट ज़्यादा बोल दिया, मतलब मैंने 5-10 मिनट में वो वीडियो बनाई है, तो हो सकता है वो उतनी कुछ खास पसंद ना आए, लेकिन जैसे भी लगे प्लीज़ मेरे को बता देना और पहले जाके देख लो, फिर बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसी लगी इंट्रो वीडियो, जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, अच्छी लगी तो भी बता देना, बुरी लगी तो भी बता देना, और अगर कुछ एडवाइस कर सकते हैं तो वो भी बता देना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से, अपने टॉपिक से, कि मेरे को जॉब कैसे मिली, कैसे मैंने अप्लाई किया, और वो लोग भी पूछते हैं कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आज उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, मैं किस कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ उसका नाम है कॉग्निजेंट गूगल। तो जो वेंडर है हमारा वो है कॉग्निजेंट, और जिसके लिए हम काम करते हैं वो है गूगल, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। अब बात रही मेरे जॉब प्रोफाइल की, तो मेरी जॉब प्रोफाइल है PE की, मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। अब क्या होता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काम क्या होता होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो मेरा प्रोसेस है वो है गूगल एडवर्ड्स का। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी दुनिया भर के एड्स होते हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो नॉर्मल किसी साइट पर हो या कहीं पर भी हो, साइट बोलो तो गूगल की साइट, ठीक है, तो उसमें जितने भी एड्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज आती हैं वो सारी हमें देखनी होती है। और मेरा जो चैनल है वो है मेरा ईमेल चैनल, और मेरी नॉर्थ अमेरिका शिफ्ट है, NA शिफ्ट नाइट की जो होती है। तो अब बात आती है कि इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें। तो देखो, जितनी बड़ी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर MNCs होती है, कभी डायरेक्ट हायरिंग लेती ही नहीं है, आपको किसी ना किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ही वहाँ पर जाके अप्लाई कर पाओगे, ऐसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट हायरिंग कभी लेगा ही नहीं, तो आप कैसे चले जाओगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपको खुद से पता करना पड़ेगा कि कौन सी कंसल्टेंसी से, मतलब उनका जो भी क्या होता है, जो भी है, मतलब समझ जाओ, मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा, तो कौन हायरिंग ले रहा है गूगल के लिए या फिर कॉग्निजेंट के लिए या फिर किसी और कंपनी, एसेंचर वगैरह किसके लिए, तो वो आपको खुद से पता करना पड़ेगा। बात करते हैं सबसे हैवी क्वेश्चन की, जो सब मेरे से पूछते ही पूछते हैं, जो दौड़ता हुआ क्वेश्चन है, कि सैलरी पैकेज क्या है और इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का। तो देखो, मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था और एज अ फ्रेशर ही सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा था, तो भाई जब मैंने सैलरी पैकेज सुना तो मैंने कहा बस पकड़ लो इस जॉब को और छोड़नी नहीं है। और इस टाइम मेरे को भी मेरा फैम में मेरा 6th मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा, और साथ में उसमें अलाउंसेज भी बहुत सारे मिलते हैं, होम अलाउंस मिल जाता है, उसके बाद फिर ट्रैवल अलाउंस मिल जाता है, और ट्रैवल अलाउंस का ये है कि सैलरी से हटके मिलता है, अगर तुम कैब ले रहे हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप ऑफिस वाले, मतलब ऑफिस कैब आती है, उसके बाद अगर तुम नहीं ले रहे हो तो तुम्हें उसका एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है, उसके बाद फिर तुम्हारा मेडिकल भी है, उसके बाद फिर 3 टाइम का खाना, इनफैक्ट खाना भी काफ़ी अच्छा होता है, और सारी चीज़ें होती हैं फ्रूट से लेके हर हेल्दी चीज़ें। और आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, मैंने स्टोरीज वगैरह मेंशन करी है कि मैं एक कैफेटेरिया में बैठा हूँ जो रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है, बट वो रेस्टोरेंट नहीं है, वो ऑफिस का कैफेटेरिया है, ठीक है। और सब बढ़िया है, मतलब काफ़ी अच्छा है इन्वायरमेंट था। पहले मैं एक दूसरे चैनल में था, पहले मैं PMAX में था, लेकिन वहाँ से भी चैनल मेरा शिफ्ट हुआ है गूगल एडवर्ड्स में, तो थोड़ा सा तो अभी हो रहा है। प्रेशर की बात करें तो इतना प्रेशर नहीं है बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह, अच्छा है, ठीक है, हर जगह होती हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बट हाँ अभी थोड़ा थोड़ा मैं तकलीफ़ में हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं था, पहले तो 1-2 घंटे में काम कंप्लीट, उसके बाद घूमो, जहाँ घूमना है घूमो, पार्टी करो, मस्ती करो, ये सारी चीज़ें। और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ की जो हमारे सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी मतलब घुल मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि अपने उसमें रहें कि नहीं हम सर, हम सीनियर हैं, हम ये वो, तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। और आप लोग भी करो, अगर आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है, उसके बाद कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो सारी चीज़ें वो डिपेंड करता है कि तुम किस प्रोसेस में जा रहे हो और क्या चीज़ें हैं तुम्हारी। तो और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वैकेंसीज, तो देखो हमेशा नहीं होती है, हमेशा हायरिंग नहीं होती है यहाँ पे,
कभी कभी निकलती है, वो होते ही तुरंत फेल हो जाती हैं, तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। आप लोग मेरे को मैसेजेस करते हो कि मेरी करवा दो, मेरी जॉब लगवा दो, ये करा दो, तो भाई मेरे घर वालों की थोड़ी ना कंपनी है, मेरे घर वालों ने थोड़ी ना ये सारी चीज़ें करी हैं, अब वो आपको खुद से करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता उसमें कुछ भी। ठीक है, कशिश ने, हाँ कशिश ने मेरा रेफरेंस लगाया था, वो तब लगाया था जब हायरिंग चल रही थी, तब उसने मेरा रेफरेंस लगाया, उसके उसके बेस पे फिर मेरा जो भी आगे प्रोसेस हुआ है वो सारी चीज़ें। तो इन शॉर्ट यही था, और मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी है। अगर और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो तो मैंने बता ही दिया है, कितना टाइम हो गया वो भी मैंने बता दिया है, क्या काम है वो भी मैंने बता दिया है, और कुछ बचा है? जो बचा अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने कवर नहीं किया, वो कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। दिन में तो मेरी गुड नाइट होती है, रात में मेरी मॉर्निंग होती है उसके बाद भी। और आप लोग मेरे को बहुत परेशान करते हो यार, मत किया करो परेशान, मेरे को मैसेजेस और ये सारी चीज़ें मत करो, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता। और हाँ, उससे एक चीज़ याद आई कि हमारी जो टाइमिंग होती है वो 10 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है? तो इधर पे एक यही चीज़ एक ड्रॉबैक है कि हमारी 10, बाकी कंपनीज में 8 घंटे की होती है, लेकिन हमारे यहाँ में 10 घंटे की है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके बाद फिर आप लोग मेरे से बोलते हो कि आप रिप्लाई नहीं दे रहे, आप वीडियोस नहीं बना रहे, आप ये नहीं कर रहे, तो भाई कहाँ से कर दूँ? हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती है, उस 2 दिन में भी एक दिन मेरा सोते हुए जाता है, दूसरे दिन मैं अपने आप को थोड़ा फ्रेश फील करता हूँ, और इस टेंशन में रहता हूँ कि कल से फिर ऑफिस जाना है, और आप लोग मेरे को ऐसा करने लगते हो कि बात नहीं करते, एटीट्यूड आ गया, ये आ गया। भाई एटीट्यूड नहीं आया, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, खुद के लिए अपना टाइम ढूंढता हूँ कि यार थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूँ और ये सारा। और हाँ, फैसिलिटी से एक चीज़ और याद आई कि जो कंपनी है वो कंपनी के साइड से हमें 2 कार्ड्स मिलते हैं, एक होता है वेंडी कार्ड, एक होता है हमारा कॉफ़ी कार्ड, ठीक है? और इसमें में जो कंपनी होती है वो डेली रिचार्ज करवाती है, एक लिमिट होती है वैसे वो उस कार्ड की, और वो डेली रिचार्ज कराएगी, और उसके बाद तुम्हें तुम वेंडी कार्ड से तुम कुछ भी स्नैक्स से रिलेटेड कुछ भी खरीद सकते हो, उसके बाद फिर तुम क्या कहते हैं, तुम ड्रिंक्स भी खरीद सकते हो, ड्रिंक्स बोले तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है? और जो कॉफ़ी कार्ड से तुम कुछ भी कोल्ड कॉफ़ी या फिर तुम आइस टी या कुछ भी उसे पी सकते हो, तो मतलब इस चीज़ इस मामले में काफ़ी सही है। अब मुझे नहीं पता कि सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा होता है कि हमारे वाले में, क्योंकि मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर की, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब ही मेरी फ़र्स्ट है, तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या होता है, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है हर कंपनी में, बट अच्छा है, इंजॉय कर रहा हूँ। और पता नहीं आगे कैसा रहा, अभी तो 6 मंथ स्टार्ट हुआ है, और आगे चल के क्या क्या चीज़ें होंगी, थोड़ा सा प्रेशर है और होता भी है, चलेगा। बाकी तो बस प्रेशर तो बस एक चीज़ का है, 10 घंटे की जॉब, उसके बाद फिर 10 घंटे के बाद खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता, आओ तो आके सो जाओ, उसके बाद मेरा जो रूटीन हो रहा है ना, वो रूटीन इस टाइप का होता है, मेरी जो शिफ्ट है वो है साढ़े रात के 8:30 से सुबह के 6:30 बजे तक, ठीक है? तो क्या होता है, हम 7 बजे सो के उठते हैं और 7 बजे हमारी कैब आ जाती है, ठीक है? हाँ, मतलब उस टाइम नहीं नहाते हैं, बिना नहाए जाते हैं हम ऑफिस, आके नहाते हैं, ठीक है? तो 7 बजे हमारी कैब आ जाती है, उस टाइम जल्दी जल्दी रेडी शेडी हो, उसके बाद तुम हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऑफिस निकलने के बाद फिर सुबह हम 7 बजे या 7:30 बज जाते हैं घर आते आते, फिर मतलब ये पूरे के पूरे 12 घंटे या 13 घंटे जितने भी हैं जाने वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर बचे हुए टाइम पे फिर सीधा सो जाओ, ऑफिस से आओ सो जाओ, उठो आँख खोलो सीधा ऑफिस में आओ, फिर मतलब बस ऑफिस ही ऑफिस हो रहा है, ज़िंदगी में कुछ इंजॉयमेंट बची नहीं है। और जो इंजॉयमेंट होती है वो सैटरडे संडे होती है, उसमें से सैटरडे वाले दिन सो जाओ, संडे वाले दिन इस तकलीफ में बैठे रहो कि अगले दिन फिर ऑफिस जाना है, जैसे कि मैंने पहले बोला, तो ठीक है चलता है। अब तो कोई है भी नहीं ऐसा कि इसके साथ जिसके लिए टाइम चाहिए, अभी तो खुद ही के लिए टाइम नहीं मिलता, अच्छी बात है वैसे कोई नहीं है, और एक यही रीज़न है कि नहीं चाहता मैं कोई, क्योंकि जब मेरे खुद के लिए टाइम नहीं है तो मैं उसको क्या टाइम दूंगा, वो भी बेचारा वो भी छोड़ छाड़ के निकल लेगा पतली गली से। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, वीडियो तो नहीं बोलूँगा, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन बताना, और आप लोग ऐसे सर्च करते रहो कौन सी कंसल्टेंसी जो गूगल के लिए हायर करती है, तो अप्लाई करो वहाँ पे, और
आओ। तो चलो टाटा बाय बाय, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैंने 2-3 बार बोल दिया, मुझे पता है ना, बहुत